हेलो गाइस, मैं नेशनल एथलीट अंकित शर्मा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आया है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। गाइस, ये नॉर्मल वैकेंसी है। इस नॉर्मल वैकेंसी के अंदर स्पोर्ट्स वैकेंसी रिजर्व्ड आई है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितनी स्पोर्ट्स वैकेंसी इसमें रिजर्व्ड आई है नॉर्मल वैकेंसी के अंदर, क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या अप्लाई किया है, क्या लास्ट डेट है, टोटल कितनी वैकेंसी आई है एंड क्या स्पोर्ट्स अचीवमेंट इसमें मांग रखा है स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए, उसी बेस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए। क्योंकि गाइस, आपके लिए मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो प्लस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का छोटा से छोटा अपडेट आपके लिए वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ, आपका जो कॉन्सेप्ट है ऑल क्लियर करता हूँ। तो गाइस, बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आई है। पोस्ट की बात करते हो या गाइस, ये कंप्यूटर संगणक की पोस्ट है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जिसकी अप्लाई के लिए ऑनलाइन है। लास्ट डेट की बात करें तो गाइस, आगे इसकी लास्ट डेट की बात करेंगे। अब बात करें टोटल वैकेंसी की, तो गाइस आप देख सकते हो कुल पद 583 इसके अंदर निकल के आए हैं, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो गाइस मैंने शुरू में बता दिया था कि इसकी जो अप्लाई करी है ऑनलाइन रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो गाइस अप्लाई ऑनलाइन है इसका। अब बात करें गाइस, जैसे कि मैं बता रहा था इसकी टोटल वैकेंसी 583 है, तो गाइस कैटेगरी वाइज इसके अंदर वैकेंसी बांट रखी है। जैसे आप देख सकते हैं सरगण के रिक्त पदों का वर्ग वार आरक्षण निम्न प्रकार है, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, तो कैटेगरी वाइज इसके अंदर का वैकेंसी बांट रखी है। तो गाइस हम बात करें अपनी क्षेत्रीय आरक्षण होरिजनल रिजर्वेशन के अंदर अपनी स्पोर्ट्स वैकेंसी रिजर्व्ड आई, जो कि 10 वैकेंसी गाइस रिजर्व्ड आई है। ठीक है, अब बात करें अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, तो आप देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर क्षेत्रीय आरक्षण यानी होरिजेंटल रिजर्वेशन के अंदर 1 वैकेंसी निकल के आई है अपनी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, वैकेंसी रिजर्व्ड है 1, जो कि अपनी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आई है। तो गाइस टोटल 11 वैकेंसी गाइस इसमें आई है। ठीक है, टोटल 11 वैकेंसी रिजर्व्ड है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वैकेंसी इसमें, जो कि अपनी राजस्थान कर्मचारी चयन की तरफ से, जयपुर की तरफ से निकल के आई है। ठीक है गाइस, अब बात करें गाइस इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट तो गाइस इसकी 10/8/2023 है, यानी 10 अगस्त 2023 है। और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन करके बीए बीकॉम कुछ भी कर रखा है, ग्रेजुएशन कर पास्ड होनी चाहिए, यानी कि परसिंग कर रखी है, चल रही है, मेरा लास्ट बैक ईयर है, यानी पूरी बिल्कुल पास्ड होनी चाहिए। और साथ में आपका कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए आपकी, जैसे कि गाइस अभी मैंने पीछे अभी बताया पोस्ट ही है अपनी सगरण, यानी कंप्यूटर की पोस्ट है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ मैं दोबारा आपको, जो कि आप देख सकते हो संगणक कंप्यूटर सीधी भर्ती 2023 उसकी पोस्ट है, पद का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो उस बेस पे है, तो गाइस आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में आप कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और गाइस मैंने आपको बताया अप्लाई करिया, एज लिमिट क्राइटेरिया, टोटल वैकेंसी बता दी एंड आपकी। अब बात करें आगे, तो गाइस ये उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु, अब बात करें गाइस मेन जो कि अपने स्पोर्ट्स अचीवमेंट की है, तो कौन कौन सी स्पोर्ट्स अचीवमेंट इसमें लगने वाली, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक गेम्स, एशियन ओलंपिक परिषद, एशियन गेम्स, दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद, तो गाइस ये इंटरनेशनल, जैसे कि आपने इंटरनेशनल ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है या पार्टिसिपेशन कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद में आपने अप्लाई, यानी अप्लाई तो क्या गाइस आपने खेल रखा है, ठीक है, पार्टिसिपेशन कर रखा है या मेडल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दक्षिण एशिया गेम्स, जो सामान्यतः सेफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय खेल परिसंघ, राष्ट्रीय गेम्स यानी नेशनल गेम्स, जो कि अपनी गुजरात में हुए थे, अभी कंडक्ट हुए थे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से, अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ, विश्व कप, तो गाइस ये 1-8 ये सारे जितने भी हैं ये सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। ठीक है, अब बात करें गाइस स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेल कूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, तो गाइस स्कूल फेडरेशन ऑफ गेम यानी एसएफआई के अंदर, एसएफआई नेशनल गाइस स्टेट नहीं, एसएफआई नेशनल में आपने व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा, या तो आपने टीम में मेडल जीत रखा है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, या व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, जैसे कि इंडिविजुअल में कौन कौन से गेम आते हैं, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, फेंसिंग, ठीक है, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, तो उसमें व्यक्तिगत या इंडिविजुअल गेम होते हैं। ठीक है, तो टीम स्पर्धा में क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, तो
ये आपने SFI में मेडल जीत रखा है व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट मेडल वाले गाइस, पार्टिसिपेशन वाले नहीं, मेडल वाले। इंडियन ओलंपिक गेम्स एसोसिएशन या इससे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा जीत किसी खेलकूद की किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैंपियनशिप व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीतते हो, सेम प्रोसेस गाइस इसके, बट जो जो आपका गेम है, जो जैसे कि अपना एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराते हैं अपने नेशनल में, ठीक है, उसी से आप खेलो हो, ठीक है, तो गाइस हर गेम की जो फेडरेशन है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ठीक है, तो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए जो कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से अप्रूव हो द्वारा आयोजित किसी भी खेलकूद कोई सा भी गेम है आपका किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट चैंपियनशिप व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में आपने मेडल जीता हो। एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज़, तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गाइस इसके अंदर द्वारा आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीतता हो, तो गाइस आपने ऑल इंडिया इंटरनेशनल मेडल जीता है या टीम में जीता है या इंडिविजुअल में जीता है, ऑल इंडिया इंटरनेशनल मेडल, ठीक है, ये नहीं कि नॉर्थ जोन ये ईस्ट जोन वाले नहीं, ऑल इंडिया इंटरनेशनल वाले, ठीक है। अब बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया या इससे समर्थ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप, पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स, नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो, तो गाइस इसके अंदर सिर्फ राजस्थान वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो कि पैरा, जैसे आप देख सकते हैं नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो, ठीक है, जो गाइस इसके अंदर पैरा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नोट की बात करें, कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिंदु 1 से लेकर 5 है, जो कि गाइस मैंने अभी बताया 1 से लेकर 5 तक जितने भी आपके पास अचीवमेंट है, मेडल है, पार्टिसिपेशन ही मेडल है आपके पास, श्रेणी के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हो, यदि किसी आवेदन ने जानबूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी अंकित किया है तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदन कार्रवाई की जाएगी। तो गाइस आपने प्राइवेट सेक्टर या आपने कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनवा ली है और सेम जैसी, ठीक है, और आप पकड़े जाते तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो गाइस ये अपना स्पोर्ट्स अचीवमेंट, ये स्पोर्ट्स अचीवमेंट मांग रखे है, SFI है अपना, ऑल इंडिया इंटरनेशनल नेशनल गेम्स में आपने मेडल जीत रखा है या आप जो आपकी गेम है वो नेशनल कंडक्ट करवाती है उसके अंदर आपने मेडल जीत रखा है, ठीक है, ऑल इंडिया इंटरनेशनल में मेडल जीत रखा है, तो ये सारे गाइस स्पोर्ट्स अचीवमेंट इसमें दिखा रखे हैं, ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करें गाइस आपके वेट, जो आपके पे स्केल है लेवल 8 के हिसाब से आपका इसके अंदर पे स्केल रहने वाला है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अन्य योग्यता, राष्ट्रता, भारत का नागरिक हो, आयु की बात करें तो गाइस मैंने शुरू में बता दिया था 18 से लेकर 40 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 18 से लेकर 40 साल तक, 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, 40 से कम, ठीक है, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, ठीक है। अब गाइस इसकी स्पष्टीकरण है ये, और नोट है, पेंशन, विवाह, पंजीकरण, पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। तो गाइस फीस जो स्ट्रक्चर है इसका, जनरल वालों के लिए 600 है, OBC वालों के लिए 400 है, SC ST वालों के लिए भी 400, 400 लगाने वाला है, जनरल वालों को 600 है गाइस, OBC वालों के लिए 400 है, SC ST वालों के लिए भी 400 है, और इसकी जो गाइस अप्लाई करिए ऑनलाइन है, लास्ट डेट मैं दोबारा बता देता हूँ, 10 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 12/7 से लेकर दिनांक 10/8/2023 को रात्रि 12 बजे तक आप बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं, ठीक है गाइस। परीक्षा आयोजन, और तो गाइस इसकी जो रिटर्न होगा, तो आपका जो रिटर्न है 14 अक्टूबर को आयोजित कराया जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। संगणक के पदों पर की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित है गाइस दिनांक 14 अक्टूबर 2023 को आवंटित परीक्षा केंद्र पर कराई जाएगी, ठीक है। और गाइस अब बात करें इस आपके इस रिटर्न के अंदर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ आवेदन कैसे करें ऑनलाइन गाइस इसके आवेदन है, ठीक है। अब बात करें इसकी जो किस सब्जेक्ट से ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, आवेदन में गलत सूचना प्रश्न, तो गाइस ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा दी जाएगा सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक, वहाँ से आप डाउनलोड करके ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी इंक्वायरी हैं, इंस्ट्रक्शन है ये गाड़ी गाइस, ये सारे के सारे। तो गाइस मैं बात कर रहा था कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पोस्ट पे, तो आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाने एंड 2 आवर्स के इसके अंदर आपको टाइम मिलेगा, जो कि ठीक है। नंबर 30 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 30 और 70 मार्क्स के इसके अंदर जनरल नॉलेज के 30 मार्क्स के हैं और स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स 70 के रहने वाले हैं, ठीक है।
तो गाइस इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि आप देख सकते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1.3 मार्क विल बी फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स शैल बी 40% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ ए बैचलर डिग्री लेवल, ठीक है। तो गाइस अपने ये राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर की तरफ से निकल के आई है, जो कि जिसके अंदर ये नॉर्मल वैकेंसी है सकरणम की पद की, इसके अंदर वैकेंसी रिजर्व आई है, स्पोर्ट्स वैकेंसी रिजर्व आई है, जो कि टोटल 11 वैकेंसी गाइस इसमें रिजर्व आई है, ठीक है। टोटल वैकेंसी 583 है। तो गाइस मैंने आपको एज लिमिट क्राइटेरिया बताया, टोटल वैकेंसी बताई और सैलरी आपको बता दी, पे लेवल 7 के हिसाब से इसके अंदर रहने वाला है, 20,200 से आपका स्टार्ट होगा इसका पे स्केल, ठीक है। अप्लाई करिए, ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन की भी बता देता हूँ गाइस, इसका लोकेशन आपका जो राजस्थान में ही रहेगा। फीस स्ट्रक्चर बता दिया, लास्ट डेट बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया और स्पोर्ट्स अचीवमेंट भी बता दिया। और गाइस प्राइवेट सेक्टर वाले बिल्कुल इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि इसमें साफ लिख रखा है यदि आप किसी गवर्नमेंट फेडरेशन जैसे आप फर्जी बनवा के सेम फर्जी बनवा लेते हो और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गलत निकलता तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है, नॉर्मल वैकेंसी रिजर्व्ड है गाइस, इसके अंदर नॉर्मल वैकेंसी है और इस नॉर्मल वैकेंसी के अंदर स्पोर्ट्स वैकेंसी रिजर्व्ड है। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं, आपको शो भी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर भी आपको इस चैनल पर भी टाइम टू टाइम सरलता पर ध्यान पर यहाँ पे भी आपको अपडेट करा जाता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो, स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट प्लस स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट का छोटा से छोटा अपडेट यहाँ पे भी आपको दिया जाता है। यहाँ भी इस चैनल से भी जुड़े, इस चैनल पे भी प्यार दिखाएं गाइस। तो गाइस मिलते हैं अगली स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो प्लस स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट प्लस स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।